दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीखकर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और आज का वीडियो जितने भी बंगाल के तरफ के भैया देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा और इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं एक कंप्लीट वीडियो एडिटिंग की पीसी बिल्ड के बारे में। मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है जो कि पीसी बना करके मुझे भेजना है वेस्ट बंगाल। ये हैं कृष्ण मंडल दास, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये पूरी जानकारी हम आपको अभी उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कृष्ण मंडल दास जी हैं, जैसा कि आप बगल में देख पा रहे हो जो कि इनका कंप्लीट एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आज का पीसी जाने वाला है। बढ़ते क्रम में एक स्क्रीनशॉट आपको और दिखाई दे रहा होगा जो कि कंप्लीट इन्होंने मुझे पेमेंट भेज रखा हुआ है पीसी बिल्ड करने के लिए एडवांस के रूप में, वो आप यहां पे देख पा रहे होंगे। और आज का पीसी जो बनने वाला है ये बनने वाला है कोर i7 12th जनरेशन, 32GB रैम, 500GB सी ड्राइव के लिए SSD और डेटा प्रोसेसिंग के लिए 1TB की SSD। मशीन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो बने रहिएगा। वीडियो एडिटिंग से संबंधित, कंप्यूटर और वीडियो मिक्सिंग से संबंधित जो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनकी पूरी कंप्लीट जानकारी और बहुत सारी डीप नॉलेज इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पीसी बिल्ड करते हुए आपको एक एक करके सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं और सिखाते हैं। दोस्तों, ये है आज का मदरबोर्ड जो कि हम कृष्ण मंडल दास जी को देने वाले हैं। ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 4 रैम लगा सकते हैं, 4 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी अलग अलग आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 ग्राफिक कार्ड लगाने का ऑप्शन है। 6 हार्ड ड्राइव आप इसके साथ लगा सकते हैं, साटा हार्ड ड्राइव या साटा SSD जो भी हो। USB में 3.2 का आपको नया अपडेट देखने को मिलेगा इस मदरबोर्ड के साथ। और 19 फेज का इसका डिजिटल VRM है। ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको जानकारी देने वाले हैं कि एक नया मदरबोर्ड पे और रिसर्च चल रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि इस मदरबोर्ड से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस उस मदरबोर्ड पे निकल के आने वाली है। तो उस पर हम रिसर्च पे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इस मदरबोर्ड को रिप्लेस करके हम दूसरा मदरबोर्ड लेकर के मार्केट में आने वाले हैं। फिलहाल आपको बैक पैनल के बारे में बता दूं तो यहाँ पे आपको USB के कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पे HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, और यहाँ पे Type-C प्लस RJ45 में 2.5G का आपको नया अपडेट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस मदरबोर्ड के बारे में बताना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि वीडियो बनानी है मुझे छोटी, और अगर मैं मदरबोर्ड समझाने लग जाऊँगा तो ये वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। फिलहाल वीडियो आज छोटा बनाने के मूड में हूँ ताकि एडिट करने में और आपको देखने में दोनों में आसानी हो। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रोसेसर के ऊपर। तो प्रोसेसर आज लगने वाला है 12700 के कोर i7 का, आज के तारीख का सबसे तगड़ा वाला प्रोसेसर। और मैं आपको बता दूँ कि एक घंटे करंट इस मशीन में घड़ी देख करके 6 से 7 मिनट में निकलने वाला है। प्रोसेसर का नंबर आप यहां पे देख पा रहे होंगे और इसकी सील भी हम आपको चेक करवा देंगे। आप देख पा रहे होंगे पूरा कंप्लीट सील पैक है, तो यहां से हम इसको कर लेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद प्रोसेसर निकाल लेंगे हम बाहर। दोस्तों, प्रोसेसर हमने लगा लिया बहुत ही शानदार तरीके से। अब लगाएंगे रैम। रैम लगा रहे हैं आज 32GB 8GB की 4 स्टिक। फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी लेटेंसी क्या है, इसके विषय में हम किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ पर रैम दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यह है आज का हमारा रैम, 8GB की 4 स्टिक। 1x1 हम इसमें फिट कर लेंगे। प्रोसेसर और रैम हमने लगा लिया। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज सी ड्राइव के लिए SSD की। तो आज जो हम SSD लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 250GB हाई स्पीड SSD, और एक डेटा प्रोसेसिंग के लिए अलग से 1TB की M.2 NVMe हाई स्पीड SSD। दोनों SSD बाहर निकालते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हीटसिंक लगी, इसे हम ओपन कर लेंगे क्योंकि इसी के नीचे आज का हमारा SSD लगने वाला है। बड़े सावधानी से हम लगाएंगे क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होता है, और यहाँ पे एक पेच लगना है तो हम पेच लगा लेंगे।
ये हमारी 1 TB, बड़ी सावधानी से हम लगाएंगे, इसे भी लॉक कर लेंगे। सबसे पहले ये ऊपर वाली हीट सिंक हम लगाएंगे। दूसरा एक ये हमारा हीट सिंक है, नीचे वाली प्लेट, जिसमें कि 3 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। एक काम यहाँ पे स्टिकर हटा लेंगे। दोनों SSD हमारी लग गई, 500 GB और 1 TB। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे CPU कूलर की। CPU कूलर हम लगा रहे हैं 120 mm हाई RPM फुल RGB और बड़े साइज में, बहुत ही शानदार है, एक बार उसको भी हम आपको दिखाते हैं। CPU कूलर जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, 120 mm बड़ा साइज फुल RPM। इसकी बनावट, इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बेहतर है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसका साइज़ वगैरह आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी मजबूत है। इसके साथ एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर कंप्लीट इसका मटेरियल है माउंट करने के लिए। तो कंप्लीट इसे हम करते हैं अपने मदरबोर्ड पे माउंट। माउंट करने के बाद वापस कैमरे पे आते हैं, एक एक चीज़ के विषय में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि ये माउंट होने के बाद कंप्लीट मदरबोर्ड हमें कैसा दिखता है। दोस्तों ये हमने कर लिया माउंट और मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त आपको दिख रही होगी, बहुत ही शानदार, काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। जैसा लग रहा है कि हम Core i9 मशीन को बना रहे हैं। और इसकी पूरी बनावट, जबकि रैम सब आपके सामने ही लगा है, 32 GB रैम, 500 GB सी ड्राइव के लिए, 1 TB डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और इसकी जो कुल वज़न है, मेरे ख्याल से तकरीबन 3.5-4 किलो के आसपास वज़न होगी। बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार। और ये मशीन 1 घंटे का रेंडर मात्र 6 से 7 मिनट में करने वाली है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बताना ये बाकी है दोस्तों कि आज जो कैबिनेट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है। तो आप जैसा कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कैबिनेट हम आज लगाने वाले हैं। ये आगे से 120 mm के 3 फैन लगे हुए हैं, फुल RGB हाई RPM। साइड में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखाई दे रहा होगा, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ऊपर से पन्नी लगी हुई है, ठीक है, ये हम हटा लेंगे। पीछे एक फ़ैन और लगा हुआ है 120 mm का हाई RPM फुल RGB, और ऊपर डस्ट फिल्टर है, ऊपर भी हम फैन लगाने वाले हैं यहाँ पे। और इस PC को काफ़ी सुंदर और सुंदरता के साथ साथ काफ़ी हाई स्पीड मशीन बना करके वेस्ट बंगाल भेजने वाले हैं, जिनका कि ये मशीन मैं आपको पहले फ़ोटो और उनका कंप्लीट एड्रेस दिखा दिया हूँ। तो चलिए कंप्लीट इस मदरबोर्ड को बिठाते हैं। 650 वाट की सप्लाई लगानी है वो लगाते हैं, 2 TB का हार्ड ड्राइव लगाना है वो लगाते हैं, और सारा कुछ लगाने के बाद वापस कैमरे पर आते हैं और आपको दिखाते हैं। और वीडियो एडिटिंग से संबंधित अभी बहुत सारी कुछ जानकारियाँ आपको शेयर करनी है, उपलब्ध करवानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट लगता है इसमें, किस तरीके से मैनुअल बायो सेटिंग, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों कृष्ण मंडल दास जी की PC हो गई है कंप्लीट, और सारे सामान हमने लगा करके टाई कर दिए हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया है। 2 RGB क्रिस्टल वाले फ़ैन हमने ऊपर लगाए हुए हैं, फ्रंट में 3 फ़ैन, और यहाँ पे CPU कूलर पे 120 mm का 1 फ़ैन, पीछे भी 1 फ़ैन, और पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है PC। अब इसको हम लेके चलेंगे अपने मेन काउंटर पे, कंप्लीट इसके मैनुअल बायो सेटिंग करेंगे, और बायो सेटिंग करने के बाद वापस एक बार हम कैमरे पे आएंगे ये बताने के लिए कि इसकी RGB कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद कृष्ण मंडल दास जी, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, जो इस PC को ऑनलाइन मंगवाने के लिए मुझे एडवांस पेमेंट डाला है, उनको करेंगे वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करने के बाद उनसे बात करेंगे और कैसे वो मुझे जाने, कैसे उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, कैसे पेमेंट डाला और किस काम के लिए वो PC बनवा रहे हैं, ये पूरी जानकारी उनसे उपलब्ध करेंगे, ऑन कैमरा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर PC आप बना करके दे देंगे, कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके दे देंगे, मशीन की स्पीड 1 नंबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कल के तारीख में हम मशीन फॉर्मेट करते हैं तो वो सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप किसी भी टेक्निकल इंजीनियर से बात कर लीजिएगा, अगर एक बार आपने कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके सेटिंग को सेव कर दी, तो PC चाहे आप 1 बार फॉर्मेट करें या 10 बार फॉर्मेट करें या 100 बार फॉर्मेट करें, कोई दिक्कत नहीं, वो सेटिंग कभी भी लाइफ में चेंज नहीं होती। तो अगर आप भी एक बेहतर PC इस तरीके का बनवा करके मंगवाना चाहते हैं, जो कि मात्र 91,700 रुपये का है, तो आप मंगवा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 घंटे का रेंडर मात्र 6 से 7 मिनट, और बफरिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। टाइमलाइन डायरेक्ट प्ले होते हैं, किसी भी सॉन्ग प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करिए, डायरेक्ट टाइमलाइन प्ले करिए, डायरेक्ट प्ले होगा।
और मशीन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। इस तरीके का मशीन बनवा करके आप एक दिन में आराम से 3 से 4 शादी बना सकते हैं। चलिए करते हैं कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग, उसके बाद फिर कैमरे पे वापस आते हैं। दोस्तों कृष्ण मंडल दास जी की पीसी पार्सल निकलने वाली है, और क्योंकि इसकी इंटरव्यू बाकी है और आरजीबी टेस्ट भी बाकी है, तो यहाँ पे हम आपको इस मशीन की कंप्लीट आरजीबी दिखाने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कोर i7 मशीन है 32 GB रैम के साथ और 500 GB सी ड्राइव और 1 TB डेटा स्टोरेज के लिए इन्होंने लगवाया हुआ है SSD M.2 NVMe हाई स्पीड। मशीन काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार है, बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस है इस मशीन की। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको इसका कंप्लीट वायरिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो मशीन बिल्कुल चमाचम है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मशीन है, शीशे की तरह बिल्कुल चमक रही है। एक भी एक्स्ट्रा वायर आपको फालतू लटकता या झूलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। बहुत गजब का अब मशीन बनकर के तैयार हुआ है। बढ़ते क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि ऊपर 2 फैन लगा हुआ है RGB, इसको कि आप चेंज कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और मैंने यहाँ डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आपको एक कलर में दिखाई दे रहा होगा। पीछे 120 mm का फैन लगा हुआ है बड़ा RGB। यहाँ पर CPU कूलर भी आपको 120 mm का हाई RPM RGB फैन दिखाई दे रहा होगा CPU कूलर। फ्रंट में 3 फैन आपको दिखाई दे रहे हो, ये भी फुल RGB फैन लगा हुआ है। किसी भी मौसम में आप इस मशीन को चलाइए, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, मशीन की परफॉर्मेंस, मशीन की स्पीड हमेशा एक जैसी बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे, और जिनका मशीन है कृष्ण मंडल दास उनको फ़ोन लगाते हैं और वीडियो कॉल पर बाकी की जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। नमस्कार दादा, नमस्कार, की हाल चाल? हाल चाल। किधर जा रहे थे आज अभी? जगन्नाथ जी का रथ आ रहा है ना हमारे डायमंड हार्बर पे। अच्छा अच्छा, उधर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो कॉल किया हूँ आपको, पीसी तो मैंने फोटो भेज ही दिया था, एक बार फिर से वीडियो कॉल पे दिखाने के लिए, और क्योंकि आपका इंटरव्यू बाकी था तो इसके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट का आपका समय लेना चाहूँगा। ठीक है? ठीक है। ओके दादा, ये सबसे पहले मैं आपको आपका पीसी दिखा दूँ जो कि मैंने फोटो भी भेजा था, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट इसका RGB वगैरह मैं एक बार आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। दिखाई दे रहा दादा? हाँ। चलिए ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, डायरेक्ट आते हैं। हाँ, आमने सामने थोड़ा सा जानकारी ये दे दीजिए, जो लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं दादा? मेरा नाम कृष्णदास मंडल है जी, और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में कहाँ से हैं दादा आप? डायमंड हार्बर। अच्छा, जैसा कि मैं आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट और बाकी जानकारी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया है, लेकिन एक बार आपसे इसलिए जानकारी ले रहा हूँ ताकि जो लोग भी हैं बंगाल के आपके उनको थोड़ा सा विश्वास बन जाएगा। मेरा अकाउंट का तो थोड़ा तकलीफ था तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके भेजा था। हाँ हाँ, पेमेंट पूरा पेमेंट मैं कर चुका हूँ। पेमेंट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है जी। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। आज आपकी पार्सल यहाँ से निकलने वाली, क्योंकि 2 दिनों से लाइट नहीं थी गोरखपुर में, पूरी काम बंद पड़ी थी, सारे सिस्टम खराब थे, ट्रांसफार्मर जला हुआ था इधर शनिवार से ही। गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दादा, इतनी बुरी कंडीशन की अब क्या बताएं। अभी को जाके लाइट आई है आधा घंटा पहले। चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, और पीसी कंप्लीट पैक करके अभी मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ पार्सल का, और पीसी मैं निकाल रहा हूँ दादा। ठीक है? ठीक है। ओके दादा, निकाल भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, ओके, नमस्कार। टाइम लगेगा ना वहाँ से? हाँ, आज निकल जाएगी पार्सल दादा, पैक होने जा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है दादा, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों ये थे कृष्ण मंडल दास जी, जिनका कि सामने आप पीसी देख रहे हैं, और ये पीसी जाना है वेस्ट बंगाल। जगह पूरा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा टाढ़ा नाम है, मुझे नहीं याद है, मैं क्षमा चाहूँगा। शुरुआत में मैंने एड्रेस दिखाई है, और अभी इसकी पूरी कंप्लीट पैकेट बना करके भी मैं आपको एड्रेस दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस तरीके से पीसी पैक करके भेजी जाती है। दोस्तों इनका पावर केबल जो कि मैंने आपके सामने ही अंदर डाल दिया हुआ है, और मैंने टेप मार दिया हुआ है, कंप्लीट इसकी बबल्स वाली पन्नी लगा करके फुल पैकिंग करने के बाद वापस कैमरे पे आकर के हम पूरी जानकारी देते हैं कि पार्सल किस तरीके से पैक करके भेजा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होता है
कि सर पीसी बनवाने के लिए हम सोच तो रहे हैं, लेकिन ये डर बना रहता है कि पीसी आप भेजेंगे वहाँ से कहीं पार्सल में ख़राब हो जाए, तो इसके वजह से एक बार हम पैकेट भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, कृष्णदास मंडल जी की पीसी यहाँ पे कंप्लीट है पार्सल निकलने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बगैर एड्रेस का पार्सल कैसे जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस पर दो लेयर पन्नी और लगानी है और पन्नी ख़त्म हो गई है। जैसा कि यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, दो पार्सल यहाँ पे पैक किए गए हैं पार्सल से जाने के लिए, और ये पूरी कंप्लीट पैकिंग करने में पन्नी ख़त्म हो गई है, और पन्नी इस समय है नहीं, जो पन्नी इसमें बबल्स वाली लपेटी जाती है, तो मार्केट से पन्नी आएगी, उसके बाद ये पैकिंग करके पार्सल निकलेगी, तो एड्रेस उसके बाद ही उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो कंप्लीट ये पैकिंग हमारी हो चुकी है कृष्णदास मंडल जी की, और ये पीसी निकलेगी पार्सल से। वीडियो के लास्ट में आपको इसकी पर्ची दिखाई दे रही होगी, आप उस पर जाकर के खुद भी ट्रैकिंग आईडी लेकर के अगर आप जांच करना चाहते हैं तो खुद भी आप जांच कर सकते हैं कि वाकई में सरजी का काम कहीं कोई गड़बड़ वाला तो नहीं, जैसे होता है ना कि एक फर्जी कोई पैकेट में रख करके बना दिया, तो आप भी चेक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको पर्ची दिखाई देगी, ट्रैकिंग आईडी लेकर के आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इस पार्सल को लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, अगर लगाया गया है तो कब लगाया गया है और कहाँ तक पहुँचा है, पहुँच गया है या रास्ते में है, ठीक है, ये खुद भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब बताना यह है दोस्तों कि अगर आप भी इस तरीके का पीसी बनवा करके अपने घर तक मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, और इनका पूरा कंप्लीट एड्रेस मैंने शुरू में दिखाया था, इनका फोटो, इनका मोबाइल नंबर सब दिखाया था, आप चाहें तो इनसे भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2023 का मेरा वीडियो एडिटिंग का नया वाला डेटा लॉन्च है, अगर आप लेना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, और उसके साथ आपको ट्रेनिंग की वीडियो फ्री में मिलेगी, जिसको देख करके आप बहुत ही कम समय में एक शानदार वीडियो एडिटर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।